मानव शरीर के टुकड़े बन रहे हैं सिर दर्द, पहले टांगे और धड़ बरामद हुआ, फिर सर और हाथ। क्या हत्यारे ने शव को छिपा रखा है फ्रिज में? गांधीनगर में व्यापारियों पर छापा, पड़ने से मार्केट में दहशत। छापा पड़ने से मार्केट में मंदी का कोई असर नहीं, 2 महीने पहले से ही मार्केट में है मंदी। पूर्व मेयर ने कहा, रिश्वत लेने वालों पर अधिकारी करें सख्त कार्रवाई, मैं खुद इसकी शिकायत नए अधिकारियों से करूंगा। नगर निगम के जेई और बेलदार रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। कृष्णानगर में फोटो ओवर ब्रिज की हालत बनी हुई है जर्जर, दिव्यांग और बुजुर्ग नहीं कर रहे फोटो ओवर ब्रिज का इस्तेमाल, लोगों को हो रही है परेशानियां, एस्केलेटर मशीन भी काफी दिनों से है खराब। और मंडावली में सब्जी मंडी के पास की सड़क टूटी, सड़क की सुध लेने वाला कोई नहीं, जर्जर हालत में छोड़ दी गई है सड़क, स्थानीय निवासियों को होती है परेशानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक शव पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन रहा है। ये शव किसी महिला का प्रतीत होता है, रविवार को इस शव के कुछ हिस्से एक बैग में से मिले थे, मंगलवार को सिर मिला है, सिर एकदम ठंडा है और ऐसा लगता है कि उसे फ्रिज में रखा गया था। बुधवार सुबह एक इलाके में एक जगह पर एक हाथ मिलने से फिर सनसनी दौड़ गई, ऐसा लगा कि हत्यारा न सिर्फ पुलिस को चुनौती दे रहा है बल्कि वह शव को ठिकाने लगाने के लिए धीरे धीरे अंगों को बाहर निकाल रहा है। ऐसा लगता है कि उसने शव के टुकड़े करके उन्हें फ्रिज में जमा किया हुआ है। पुलिस हत्यारे की इस हरकत को लेकर सकते में है और अब तक उसे पकड़ नहीं पा रहा है। पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने का केस तो दर्ज किया है लेकिन हत्यारा षड्यंत्र में नहीं आ रहा है। आपको बता दें, रविवार देर रात को पांडव नगर थाने की पुलिस जब पेट्रोलिंग कर रही थी तो कल्याणपुरी के ब्लॉक 20 के रामलीला मैदान में झाड़ियों से एक बैग पड़ा हुआ देखा गया। बैग से तेज बदबू आ रही थी, इसकी खबर पुलिस को दी गई तो पुलिस ने आकर बैग खुलवाया, उसमें मानव शरीर के कुछ अंग थे, दोनों टांगों के 4 टुकड़े किए गए थे और पेट का कुछ हिस्सा था। टांगें देखने के बाद पुलिस ने कहा था ये किसी महिला का शव है, उसे रिन क्राइम टीम के अलावा FSL को बुलाया गया और सभी टुकड़ों को जांच के लिए मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। इसके बाद मंगलवार को पुलिस को इसी इलाके में एक सिर मिला है जो कि एकदम ठंडा था। अब बुधवार सुबह पुलिस को एक मैदान से हाथ मिला है, अनुमान है ये सब अंग भी उसी शव से जुड़े हुए हैं। पुलिस अभी मामले की पड़ताल कर रही है और सारी घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। पांडव नगर पुलिस आसपास के CCTV कैमरों को भी खंगाल रही है, आसपास के थानों को भी सूचना भेजी गई है ताकि शिनाख्त कराई जा सके। अभी हेड मिला है बट हमें इसको फोरेंसिक के लिए एग्जामिन करना पड़ेगा whether it is of the same, but yes we found the head. A skull has been obtained. अभी कहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है क्योंकि ये फोरेंसिक की एग्जामिनेशन और पोस्टमार्टम के आधार पर होगा, तो फिलहाल मेरे लिए ये पुष्टि करना मुनासिब नहीं है। गांधीनगर में GST और इनकम टैक्स का कुछ कारोबारियों पर छापा पड़ने के बाद से ही गांधीनगर मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। मार्केट के व्यापारियों का कहना था कि कुछ व्यापारी पर छापा पड़ा है जिससे मार्केट में दहशत तो है पर जिन पर छापा पड़ा है यहाँ जो गलत काम कर रहे हैं उन पर सरकारी छापा पड़ने से मार्केट में मंदी का कोई असर नहीं आया है। मार्केट पिछले 2 महीने से काफ़ी मंदी चल रही है, ग्राहक पहले के मुकाबले मार्केट में 10% भी नहीं आ रहे हैं जिसके चलते दुकानदारों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। फर्क तो भाई से बहुत पड़ रहा है, देखो अगर जहाँ छापा पड़ता है तो दिक्कत तो हमें भी आती है, काम धंधा वैसे कम हो जाता है सबका और वैसे काम अभी है नहीं तो इसमें और जो ये काम होंगे तो और भी दिक्कत बढ़ेगी, तो इसके हिसाब से इसी नहीं होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं माहौल तो इतना बेकार हो चुका है, सब बंदे अपने बारे में सोचते हैं कि भाई इस पर दिक्कत है कल हम पे दिक्कत ना आता, इसलिए सब बंदे अपने हिसाब से सोच के चलते हैं। दिक्कत तो है चाहे उसके साथ हो या हमारे साथ, सबके साथ जो दिक्कत तो है वो तो है ही। फ़र्क तो काफ़ी बड़ा है, व्यापारी डरता है आने से क्योंकि इनकम टैक्स का छापा जो पड़ा है अभी बाज़ार में उसकी वजह से व्यापार तो पहले से मंदा था और बल्कि और थोड़ा सा व्यापार रुक गया। 4-5 पार्टियों पर सुना था व्यापारियों का, व्यापार मुश्किल से 5% चल रहा है इस टाइम, 95% ठप है। फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है और दूसरी बात ये व्यापार तो दिन पे दिन बहुत डाउन पे जा रहा है, जो पीछे 2 महीने के मद्दे के हैं
और पहले ही 2 महीने के मद्दे दिखा दिए, तो इसलिए अब तो टोटल मिला के 4-5 महीने हो जाते हैं कि भाई मद्दे के, और बाकी आप देख ही रहे हो पोजीशन बाज़ार की क्या हालत हो रही है। हाँ, सुनने में यही है, ये 4-5 बंदों पे छापा पड़ा है, सुनने तो यही आई है कि 4-5 जनों पे छापा पड़ा है, और बाकी ये बड़े बड़े व्यापारी हैं वो देखो जी, फ़र्क तो सब पे पड़ता है, मार्केट भी डाउन जाती है, कुछ जैसे ब्रांड वाले होते हैं उनके भी छापे पड़ रहे हैं लगातार, तो हम तो यही समझाएंगे भैया ब्रांड के कोई कॉपी ना बेचो और अपना ही ब्रांड बनाओ। सीबीआई ने दिल्ली नगर निगम के एक जूनियर इंजीनियर और बेलदार को 7,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जेई और बेलदार दिल्ली नगर निगम के शाहदरा दक्षिणी जोन के प्रीत विहार स्थित निगम कार्यालय में तैनात हैं। दोनों आरोपियों को मंगलवार को सीबीआई अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। आरोपी नीरज कुमार जूनियर इंजीनियर है और वह मेंटेनेंस विभाग में तैनात और बेलदार सुखदेव हैं। दोनों के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। सीबीआई में एक व्यक्ति ने जेई और बेलदार के खिलाफ शिकायत दी थी कि उसकी दुकान के सामने जो सामान पड़ा है उसे वहां रखने के लिए उसे 7,000 रुपये देने होंगे, नहीं तो उनका चालान कर सामान को उठा लिया जाएगा। इस पर हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंत ने पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल जी से बात की, तो उनका कहना है कि मैं इस पर सख्त एक्शन लूंगा। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कमिश्नर से बात करूंगा जो नए बने हैं अभी निगम के, और साथ ही साथ कहा कि सख्त कार्रवाई इस पर की जाएगी जिससे भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। बिल्डिंग विभाग में तो और भी गड़बड़ियां होती हैं। निगम के अंदर भी बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे कर्मचारी जो बिना रिश्वत के बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं करते। नई टीम आई है, ज्ञानेश जी को कमिश्नर बनाया गया है, अश्विनी कुमार जी को विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। मैंने उनसे मिला भी था, मैंने कहा भी है जब तक आप भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाएंगे तब तक निगम का भला नहीं हो सकता, और निगम को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। जब मैं निगम पार्षद था मैंने खुद सीबीआई से छापा पड़वाकर और मैंने इनको पकड़वाया था, लेकिन अभी ये बाज नहीं आए। ऐसे सभी लोगों को पहचान करना चाहिए, खासकर बिल्डिंग डिपार्टमेंट। बिल्डिंग डिपार्टमेंट बहुत बड़ा घोटाला है। निगम को भंग में महीना नहीं हुआ, उसके अंदर ऐसी हरकतें चालू हो जाएं, और शिकायतें मिल रही हैं हमें लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि अधिकारी ने अपनी सब सीमाएं तोड़ दी हैं। इस पर कौन लगाम लगाएगा? इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। मैं आज अश्विनी से फिर मिलने वाला हूँ, बातचीत करने वाला हूँ, तो कहने वाला हूँ, मैं ज्ञानेश जी से भी बातचीत करने वाला हूँ कि इस पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। कृष्णनगर के फुटओवर की हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है। फुटओवर ब्रिज पर बिल्कुल भी साफ सफाई नज़र नहीं आ रही है, वहीं इसकी सीढ़ियों पर अक्सर कूड़ा कचरा फैला रहता है, साथ ही एस्केलेटर मशीन भी काफ़ी दिनों से खराब पड़ी है। यही वजह है कि लोग अब इस फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। दिव्यांग और बुज़ुर्ग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि यहाँ दिन में रात के समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, इसलिए सरकार यहाँ तो इन्हें रिपेयर करवाए या फिर इस ब्रिज को यहाँ से हटा दिया जाए। फुटओवर ब्रिज पर इतनी जर्जर हालत होने की वजह से लोगों ने यहाँ से आना जाना बंद कर दिया है, क्योंकि इस ओवर ब्रिज के से गुजरना या इसका इस्तेमाल करना जान से खेलने के बराबर है। यहाँ पे इतने अवैध काम होते हैं पुल के ऊपर, जिसकी कोई आदमी जुएबाजी यहाँ पर होती है, वैश्यावृत्ति इस पुल के ऊपर होती है, जितने चोर स्नैचर हैं सब इस पुल के ऊपर ही रहते हैं। लाइट वाइट कुछ नहीं है, पुल का गुंडागर्दी जुए का अड्डा बना, जो मेट्रो लाइन के नीचे बैठ के छाया में आराम से सारे अनएक्सपेक्टेड काम होते हैं इस पुल के ऊपर। ये पुल सही करवाना है तो सरकार के पैसे की बर्बादी है। इस्तेमाल करता कोई, देखो आप एक्सेलेटर मशीन वगैरह सब चोरी हो गई। फुटओवर ब्रिज का निर्माण करने के बाद सरकारें उसकी मरम्मत की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं, जिसकी वजह से ये फुटओवर ब्रिज जर्जर अवस्था में पहुंच जाते हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं कृष्णानगर फुटओवर पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां की जो एस्केलेटर मशीन है पिछले कई सालों से टूटी पड़ी है, और यहां का जो भी सामान है उसको चोर चुरा के ले जा चुके हैं, केवल यहां ढांचा ही बचा है। साथ ही आपको दिखाना चाहूंगी यहां पर जो शेड लगाई गई थी जिसके लिए धूप से लोगों को बचाया जा सके, वो शेड भी पूरी तरीके से आंधी तूफान में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, और लाइटिंग की यहाँ पर कोई भी व्यवस्था मौजूद नहीं है जिससे लोग रात के समय भी इस फुटओवर ब्रिज को इस्तेमाल करने में डरते हैं। हालांकि इस फुटओवर ब्रिज की हालत ऐसी है कि रात तो छोड़ दीजिए, दिन के समय भी इसको कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि स्थिति काफ़ी जर्जर है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान देता नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन अनिल महरोल के साथ सोनिया शर्मा, CCN। सब एक साल के करीब हो गया, सारे चोरी करके ले गए, कोई चीज़ नहीं बची यहाँ तो। ना ना कोई चीज़ नहीं यहाँ,
कब है ही करने काबिल ही नहीं, तो कौन करेगा, कब करने काबिल ही नहीं है। बस वही है, मैं तो एक डेढ़ साल से मतलब ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी भी ऐसे देखता हूँ इसको, ऐसे पड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ख़राब है ये, तो क्या करेंगे अब, जिसको जाना होता है तो आगे से रेड लाइट से टर्न होके जाना पड़ता है, अब ये चालू रहता तो यहाँ से अपना पार करके अपना चले जाओ। हाँ रिस्की तो है, अभी मुझे खुद पार करना है तो मैं वहाँ से जाऊँगा, क्या करूँगा मैं, अब यहाँ बंद है तो उधर। पिछले काफ़ी सालों से मंडावली सब्जी मंडी के पास की सड़क टूटी हुई है, टूटी हुई सड़क की सुध लेने वाला कोई नहीं है। पिछले 3 से 4 महीने पहले आधी सड़क को बना दिया गया था, वहीं अब बाकी सड़क को यूं ही जर्जर हालत में छोड़ दिया गया है। टूटी सड़क होने से यहां धूल उड़ती है, आए दिन गाड़ियां रिक्शा पलट जाते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं, और कई बार शिकायतों के बाद भी कोई सड़क की सुध लेने वाला नहीं है। इस टाइम तो परेशानी की, कोई रिक्शा भी निकलता है तो पलटने का डर रहता है, कोई रिक्शे में जाता है तो फैमिली वगैरह जाती है तो गिरने का डर ही रहता है ज़्यादातर। कोई मजदूर आदमी रेडी लेके जाता है सब्जी वगैरह तो वो पलट जाती है कभी कभी, धूल उड़ती है, गाड़ी लेके आते हैं गाड़ी उल्टी सीधी चलाते हैं तो धूल उड़ती है, धूल मिट्टी काफ़ी उड़ती है। रात में हम लोग दुकान लगाते हैं, शाम को जब भी काफ़ी धूल मिट्टी उड़ती है, पानी वानी छिड़कते हैं, लेकिन फिर भी कब तक छिड़क सकते हैं। उस टाइम ग्राहक आते हैं, ग्राहक भी कम ही आते हैं इधर से, पहले गाड़ियाँ भी चलती थी, अब गाड़ियाँ भी थोड़ी कम आती हैं इधर से, छोटी मोटी गाड़ियाँ तो कीचड़ हो जाती है यहाँ पर, फिर कोई पब्लिक नहीं आती अंदर जल्दी। उस तरफ से थोड़ी बहुत रोड बनी हुई है तो थोड़ा बहुत आ जाते हैं लोग। ये लगभग हो गए 21 महीने के लमसम हो गया हुआ बनी हुई, आगे का कारण पता नहीं क्यों छोड़ दिया, ये तो वही जाने, लेकिन 2 महीने से ऊपर हो गए टूटे हुए। आने जाने वाली यात्री हैं, सब्जी लेने वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, धूल प्रदूषण से बहुत परेशान हैं लोग, और दुकानदार तो इतना परेशान है इसका जवाब नहीं। हाँ जी ये करीबन 2 साल हो गए इसको तो ऐसे ही टूटा हुआ, और फिलहाल ये मट्टी उट्टी वैसे ज़्यादा हो गए इसमें, ये मट्टी उट्टी डाल के उन्होंने, और थोड़ी नहीं है ये कहा मट्टी और घेर दी, इसके पानी भर जाता है ना इसलिए मट्टी घेर दी उन्होंने, उससे धूप प्रदूषण ज़्यादा है, आगे रोड बन गया आगे बनाने के लिए चांस ही नहीं। MCD में हाउस टैक्स जमा करने की तारीख 30 जून है, जी हाँ लास्ट डेट। इस बार टैक्स बहुत बढ़ गया है, हर कॉलोनी की कैटेगरी अप हो गई है। इस पर जब CCN की रिपोर्टर वंदना ने स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व चेयरमैन संदीप कपूर से बात की तो उनका कहना है कि इस बारे में जो नए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो तीनों निगम को देख रहे हैं, हम लोग लगातार उनके संपर्क में हैं, उनसे बात कर रहे हैं और लोगों को राहत देने के लिए बात भी की जा रही है। वहीं RW मेंबर्स का कहना है कि मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, टैक्स बढ़ गया है, जिस कारण से लोग कन्फ्यूज हैं कि टैक्स को भी भरा जाए या नहीं जमा किया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि आगे चलकर रियायत मिलेगी, क्योंकि डेट 30 जून नज़दीक है तो रियायत का इंतज़ार कर रहे हैं। हम बिना ऑफिसर्स ने बताए हुए ये कैटेगरी सी कर दी, लोग बाग परेशान हैं, उन्हें ये नहीं पता लग पा रहा है कि हमें हाउस टैक्स डिपॉजिट कैसे करें, कोई स्कीम नहीं दी कुछ नहीं, अभी कार्ड प्रॉपर्टी कार्ड इशू किए थे उसमें कैटेगरी डी लिखी हुई है सबको, एकदम बिना बताया, और हाउस टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अभी लोगों के पास नोटिस आ रहे हैं हाउस टैक्स डिपार्टमेंट से। देखो पहले डी कैटेगरी में 320 रुपये का रेट था, अब 400 रुपये का रेट हो गया, और जो 30 तारीख है, 30 तारीख भी इतनी नज़दीक आ गई कि लोग बाग दे नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे, तो इन्हें गवर्नमेंट को देखना चाहिए, डी कैटेगरी वापस करनी चाहिए। देखिए जनप्रतिनिधि ना होने का जो फ़ायदा MCD ने उठाया है उसका बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है। अभी MCD का कमिश्नर आए, उन्होंने अपनी मर्जी से बिना किसी से सलाह किए हुए, ना जनप्रतिनिधियों से सलाह ली, ना RWA से ली, ना सोसाइटी से सलाह ली गई, इन विहारों की जितनी भी हमारे यहाँ विहार हैं, राम विहार है, आनंद विहार है, सूरजवल विहार है, सब जो थे पहले डी कैटेगरी में आते थे, अब इनको सी कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया गया है बिना किसी से राय लिए हुए। जो अभी जिनको जिम्मेदारी अफसरों को दी गई, जब वो उनके पास फंड ही नहीं होगा तो वो किस प्रकार से आगे की अपनी रचना बनाएंगे, एम्प्लॉयज़ को सैलरी किस प्रकार देंगे, तो ये हाउस टैक्स का एक माध्यम है कि उनका जो है फंड कलेक्शन का, जिसके आने से ही जो है वो अपना आगे कर्मचारियों को सैलरी बांट पाएंगे। और ये 5 साल इस निगम के पूरे हो गए, हाउस जो है वो 31 मार्च तक था, इसलिए इस बार वो रिबेट नहीं दे सके, तो कम से कम 64 कॉलोनियों की जो कैटेगरी है वो कैटेगरी हायर ग्रेड में चली गई, मतलब ज़्यादा हो गई। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कमर्शियल जगह है, LAC वगैरह जो लोकल कमर्शियल सेंटर्स हैं, उनका भी हाउस टैक्स बढ़ गया। उसके अलावा 139 मीटर से ऊपर के जो कमर्शियल प्लाट थे उनका भी हाउस टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इन सब कैटेगरीज के लोगों को जिनका हाउस टैक्स बढ़ा है उन्हें राहत देने की बहुत ज़रूरत है, और हमने जो है स्पेशल ऑफिसर जो इस समय तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिला के जो MCD बना है उन्हें रिक्वेस्ट की है, और हमें लगता है इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की हिरासत में हैं। जांच एजेंसियां सत्येंद्र जैन से पूछताछ कर रही हैं। मंगलवार को एजेंसी ने सत्येंद्र जैन के करीबी के घर से करोड़ों रुपए और सोने के सिक्के बरामद किए थे। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर से बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा का कहना है कि सत्येंद्र जैन को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ का कहना है कि सत्येंद्र जैन पर तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत उनको मंत्रिमंडल से निष्कासित किया जाए। वो आदमी प्राइमा फेसी जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं और कोर्ट उसको चला रहा है, तो फॉर द टाइम बीइंग उनको अपने पद से मुक्त कर देना चाहिए। कि दिल्ली सरकार में जितना भ्रष्टाचार है शायद आज तक किसी सरकार में इतना नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? बड़े सपोज सीक्रेटिव तरीके से, बड़े मॉडर्न तरीके से ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि पता नहीं लगा, एक दिन आएगा लोगों को पता लगेगा। जैसे सत्येंद्र जैन का पता लगा है, ऐसे ही केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया का और जितने इनके मंत्री हैं सबका पता लगेगा। सारे भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं और ये भ्रष्टाचारी सरकार है। पूर्व दिल्ली के पांडव नगर में पिछले कई सालों से दुकानों के सामने डस्ट कंटेनर रखे हुए हैं, जिससे वहाँ आसपास रहने वाले लोग या फिर दुकानदार सड़कों पर कूड़ा डाल देते हैं, जिससे कूड़ा सड़कों पर फैल जाता है, जिससे काफ़ी गंदगी फैल रही है। लोगों को काफ़ी अब परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। जब हमने दुकानदारों से बात की तो उनका कहना है कि कई लोगों ने कूड़े की दुर्गंध से परेशान होकर अपनी दुकानों को बंद भी कर दिया। कूड़ा पड़े होने की वजह से वहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं, दुर्गंध से जीना दुश्वार हो गया है। बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी शिकायतों का कोई समाधान नहीं हुआ, एमसीडी और कोई ध्यान नहीं देती है। समस्या ये है कि अभी ड्रम एक लगा हुआ था, दूसरा लग गया और कूड़ा जो यहाँ तक फैला रहता है, पूरा सबका गंद यहीं आता है। कोई ये नहीं कि चलो भाई बहुत दूर दूर से फेंकने कूड़ा यहाँ आते हैं और सब इसमें डालते हैं और क्या कह रहे हैं, यहाँ बैठना दुश्वार होता है। सफाई तो होती है पर वो बेचारे सफाई करके चले जाते हैं, वो तो और तो फेंकने वाले जो वैसे भी हैं तब भी फेंकते हैं, सारे फेंकते हैं। कंटेनर तो हम तो देख रहे हैं 2-3 साल से यहीं रखे हुए हैं जी। ऑब्जेक्शन तो बता तो रहे हैं हमने, डीएम वीएम सबके एप्लीकेशन लगा रखी है यहाँ पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। हाँ अभी देखना तुम सुबेरे आ करके यहाँ पर 8 बजे आगे देखना, यहाँ तक कूड़ा आ जाता, बताओ क्या करा जाए उसका। भाई हम तो ये चाह रहे हैं यहाँ से कंटेनर हटे या इसका कूड़ेदान का अलग बनाया जाए कहीं पे, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर जो है गीला वीला, जैसे ये तुम्हारा अंदर ये मीट वीट खाते हैं जाके यहाँ घेर देते हैं, यहाँ बदबू मारती है बहुत ज़्यादा। मेरा नाम ब्रज बिहारी गुप्ता है जी, ये कम से कम 2 साल से है जी। हाँ जी, परेशानी से मतलब कोई लिमिट नहीं है, यहाँ सारे गली इधर उधर के ठेलियाँ भर भर के यहाँ पटक के जाते हैं। उन्होंने ये उसका सरकारी खत्ता डिक्लेयर कर रखा है, बड़े बड़े खत्ते बंद कर दिए, छोटा खत्ता यहाँ बना दिया है और वो कहते हैं हमारा तो वहीं लिखा हुआ है जिससे जो मुझे कर सकते। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।